सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आप लोग जान रहे हैं कि अभी ब्लॉगिंग के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को करना क्या क्या है। ईमेल आईडी वगैरह आप लोग जनरेट करके रख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ईमेल आईडी को बना लिया है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लॉगर में आप अपने ब्लॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, SEO से लेकर हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर PC जो भी है वहाँ पर जा करके हम आपको बताते हैं कि हम फ्री में कैसे किस तरह से ब्यूटीफुल वेबसाइट ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और आपको एक कस्टम डोमेन लेना होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर लाइव लेकर के दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लेके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने PC पे और आपको यहाँ पे हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम अपने डेस्क यानी अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं, लैपटॉप पे आ चुके हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए फ्री में ब्लॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिर्फ इस वीडियो में ब्लॉग को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपने आप एंड्रॉयड मोबाइल से भी उसे आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको करने के लिए आपको एक नया टैब को ओपन करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉगर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्लॉगर और सर्च कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे जो blogger.com क्रिएट एक यूनिक ब्यूटीफुल ब्लॉग, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे ब्लॉगर का दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन करना है अपने जीमेल आईडी से, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कहा था बनाने। और सिंपली हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं और यहाँ पे साइन इन करेंगे तो यूज़र आईडी पासवर्ड अगर पहले से डाल के रखे हैं तो यहाँ पे दिखेगा, जैसे हमने यहाँ पे डाल के रखा था। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सेकंड चैनल है IA टेक्निकल हिंदी, इसके लिए मैं ब्लॉग क्रिएट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने बहुत यहाँ पे दिखेगा, बहुत सारा इंटरफेस दिखेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा भी रोकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप दिख चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल का भी यहाँ पे लोगो आ चुका है और यहाँ पे आपको सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू टू ब्लॉगर, इसके ऊपर अभी हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा कंप्लीट अब ब्लॉगर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं, यानी हमने ब्लॉगर के इसमें लॉगिन अच्छे तरीके से कर लिया है और यहाँ पे वेलकम का भी मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल अब हम यहाँ पे एक ब्लॉग को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं या नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर से भी कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा यहीं से कीजिए, यहाँ से चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टाइटल देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका टाइटल दे दिया। टाइटल के आगे भी अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंपल सा, हमने यहाँ पे दे दिया इंटरनेट की जानकारी, इंटरनेट की पूरी जानकारी हिंदी में हमने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे आपको ये एड्रेस जो देख रहे हैं इसी को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस डालिएगा वो आपका डोमेन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट मिलेगा यानी सब डोमेन मिलेगा। तो पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, सब डोमेन के नाम से ही करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही दे देते हैं जो हमारा जिसके लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा ये होना ही होना है, यहाँ पे एक पोस्ट साइन का यहाँ पे सिंबल दिखेगा, यहाँ पे देखिए चेक हो रहा है ये, आइए देखिए होना ही होना था क्योंकि मैंने नाम ही कुछ ऐसा रखा था कि मुझे इसी के नाम से यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए, मैं कहता हूँ आपको सिंपल सा यहाँ पर टेम्पलेट लेना है और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग कर देना है, बस आपका यहाँ पर फाइनली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ब्लॉग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी टाइप का यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि डोमेन नेम आप यहाँ से सर्च कीजिए। तो यहाँ से डोमेन नेम अगर दोस्तों सर्च कीजिएगा तो बहुत ही महंगा आपको मिलने वाला है, तो सिंपली यहाँ से हम इसे काट देंगे। अब यहाँ पर फाइनली हमारा आपको ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये फालतू की एक मैसेज होती है, इस सबको आप डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किसी तरह का पोस्ट वगैरह अभी नहीं किया है, तो सिंपल सा हमें यहाँ पे ब्लॉग को देखना है कि हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं, URL हमें क्या दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे व्यू ब्लॉग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों ये हमारा URL है,
ठीक है, हमने जो यहाँ पे टाइटल दिया, यहाँ पे टाइटल भी यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको आर्थर पेज यानी अबाउट का जो यहाँ बनता है, ये ऑटोमेटिक गूगल प्लस से ही लिंक था, तो गूगल प्लस से डायरेक्ट ये दे दिया। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्लस, गूगल प्लस का प्रोफाइल हमने पहले से बना के रखा था, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो अब हो गया हमारा, यानी इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक ब्लॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें आपको कस्टम टेम्पलेट और उसका कुछ बेसिक सेटिंग होता है, जिसको SEO भी कह सकते हैं आप, आपके ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फाइनली अगले वीडियो में दोस्तों करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग घबरा जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, एक दिन में इतना इतना बना बता देता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ते चले जाएंगे, तब हमको आपको एक दो ट्यूटोरियल पर डे यहाँ पे आपको मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे देता रहूँगा। तो दोस्तों फाइनली आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।